मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 22 मार्च के शाम के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश बरावत है। तो अब आगे मौसम कैसा रहेगा और क्या क्या मौसम प्रणालियां भारत में बनी हुई हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सभी पहाड़ों पर है, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल 23 तारीख की रात से आएगा और वो भी पहाड़ों पर अगले दो दिनों के दौरान हल्का स्नोफॉल देगा। कुछ इलाकों में मध्यम स्नोफॉल भी हो सकता है ऊंचे पहाड़ों पर। निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और स्नोफॉल हुआ है ऊंचे पहाड़ों पर। और उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश एक दो स्थानों पर देखने को मिली है। बादल कई इलाकों में छाए हुए थे। अब पंजाब के उत्तरी भागों में, खास विशेषकर अमृतसर में हल्की बौछारें देखने को मिली। और उसी तरह से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश हुई है और उड़ीसा में एक दो स्थानों पर, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो स्थान, मतलब बिहार झारखंड में कुछ स्थानों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर, कोस्टल कर्नाटका, साउथ तमिलनाडु, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिली थी। तो अब आगे क्या रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए, 23 तारीख वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो पंजाब के और पश्चिम में बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि 23 तारीख को पंजाब के कुछ इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और एक ट्रफ बनी हुई है बिहार के आसपास और एक एंटी साइक्लोन है बंगाल की खाड़ी में, तो यहां से हवाएं ये इस तरह से अंदर आ रही हैं। और इसके बाद जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह से बन जाएगा, एक आप कह सकते हो कि एक ट्रफ है हल्की सी जो यहाँ पर ये राजस्थान के ऊपर दिखाई देगी और ये जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा से हो जाएंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो असम के ऊपर बना हुआ है, एक एंटी साइक्लोन है जो थोड़ा सा उत्तर में आ गया है और यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं, और एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में काफी दूर है, इसका कोई भी असर दिखाई नहीं देने वाला है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है इनके प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर नजर डाल देते हैं। अभी ये जो दोपहर की पिक्चर है, कम से कम 2 बजे के आसपास की 22 मार्च की, उसमें आप देखिए कि पंजाब में हल्के फुल्के बादल है, पहाड़ों पर बादल है और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ इलाकों में बादल है, केरल में और तमिलनाडु के आसपास बादल दिखाई दे रहे हैं। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी पीछे है जो अभी इसका कहना मुश्किल है कि ये भारत के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, फिरोजपुर और मोगा वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हमें कल 23 तारीख को हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें हो सकती हैं लेकिन बादल छाने की संभावना है। 24 तारीख होते होते मौसम साफ हो जाएगा और होली के दिन यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही छाएंगे और जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली, ये दोनों राज्य पूरी तरह शुष्क रहेंगे, सूखे रहेंगे, हल्के फुल्के बादल तो छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना अगले कई दिनों तक यहाँ पर नहीं है। और दिल्ली में होली वाले दिन यानी कि 25 तारीख को 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो सकता है। अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है वो कई इलाकों में अभी सामान्य से नीचे है, उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर और बाकी इलाकों में सामान्य के आसपास बने हुए हैं और इसी तरह के मौसम के रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल ज्यादातर इलाकों में, उत्तर प्रदेश में 30 डिग्री के नीचे तापमान है, 24 से लेकर के 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बने हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि बारिश हुई थी, हालांकि मध्य भाग और पूर्वी भागों में ही हुई थी और लेकिन उत्तर पश्चिमी जो हवाएं चली थी उसके कारण ये टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं। अब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे लेकिन फिलहाल हमें कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, इन इलाकों में हो सकता है कि बादल वगैरह छा जाए 24 तारीख को लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। मौसम पूरी तरह से शुष्क ही बना रहने की संभावना है। अब बिहार में भी टेम्परेचर अभी फिलहाल जो दिन के तापमान है वो सामान्य से नीचे बने हुए हैं, अब ये धीरे धीरे बढ़ेंगे और ये 30 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल ज्यादातर इलाकों में 30 डिग्री के नीचे ही दिन के तापमान है, यानी दिन में अभी ज्यादा गर्मी नहीं है और अब धीरे धीरे गर्मी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में अगले 24 घंटों तक तो मौसम साफ रहेगा लेकिन 24 तारीख को ऐसा लग रहा है कि बीकानेर, गंगानगर के कुछ इलाके, चुरू, ये जो इलाका है यहाँ पर और झुंझुनू वगैरह में भी कुछ इलाकों में हल्की बौछारें, मतलब कि बूंदाबांदी कह सकते हो या एक तरह से कह सकते हैं इस इलाके में
बहुत हल्की बारिश, मेघ गर्जना या बादल छाने की संभावना है। बाकी ये जो जैसलमेर से लेकर के यहाँ पर भी ये बादल तो छा सकते हैं, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह का मौसम ये रहेगा 24 तारीख को और 25 तारीख होली वाले दिन, जो खेलने वाली होली है, जलाने वाली होली है, 24 तारीख को 25 तारीख को जो रंग खेलने वाली होली है, उस समय मौसम पूरे राजस्थान का शुष्क रहेगा। उत्तरी राजस्थान में 34-35 डिग्री के आसपास तापमान है और दक्षिणी राजस्थान में 36-37-38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, अगले कई दिनों तक मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश में जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो गए हैं, 36-37-38 तक टेम्परेचर आ गए हैं, काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर रहने वाली है, कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में जब टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं और आगे यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और गर्मी एक बार फिर से अपना रूप यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगी। झारखंड में अभी साहिबगंज, गोडा, पाकुर, देवघर, गिरडी, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से कम है, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे और मौसमी गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी, बादल वगैरह भी नहीं छाएंगे, आसमान साफ रहेगा और गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उड़ीसा में भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की इशारे देखने को मिली थी, लेकिन अब उड़ीसा का मौसम साफ हो जाएगा और अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही किसी तरह की मौसमी गतिविधि की, तो मौसम पूरे तरह साफ हो जाएगा और तापमान यहाँ पर भी बढ़ेंगे। गुजरात में 40 डिग्री का आंकड़ा अमरेली और राजकोट पार कर चुके हैं, यानी काफी ज्यादा गर्मी है और कई इलाकों में 37-38 और 39 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। कोस्टल एरियाज में भी भीषण गर्मी है, यानी हवा तेज चल रही है कोस्टल एरियाज में, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा है और यहाँ पर ऐसा है कि अब कोई भी वेदर एक्टिविटी पूरे गुजरात में आपको दिखाई नहीं देगी। जो बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा, पाटन, महेसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाने वाले हैं, यहाँ पर कोई राहत आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी मौसमी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई हैं और अगले कई दिनों तक मौसम गर्म रहेगा। अब मुंबई वगैरह में एक दो दिनों के बाद टेम्परेचर फिर से गिरेगा जो बड़ा था। साउथ ईस्टर्ली, ये जो नदरली जो विंड आ रही थी, जो एकदम गुजरात से गर्मी लेकर के आ रही थी, वो वेस्टर्ली हो जाएगी और उससे थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म रहेंगे, यानी कि गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना नहीं है, अब मौसम और ज्यादा गर्म ही होता चला जाएगा। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां अभी पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, वर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कौंटई, शांति निकेतन, इन इलाकों में दिखाई दे रही है और कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूचबिहार, इन इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान खास करके सिक्किम से लेकर के भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, इस इलाके में ज्यादा बारिश है, बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही हमें दिखाई देने वाली है। और अगर हम फिर से दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में अब क्या होगा कि यहाँ पर एक एक तरह से कह सकते हैं कि ये ट्रफ बनेगी केरल से कर्नाटका और यहाँ महाराष्ट्र तक, तो ये केरल और दक्षिणी कर्नाटक के तट पर ये बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट होंगी। लक्षद्वीप में भी काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, लेकिन तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके में ही हल्की बारिश होगी, बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।